व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर आपका सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। एवरी लेटर सिंबल्स ETC, कोई भी लेटर हो, कोई भी सिंबल हो, ABCD या 1 2 3 4, डेट वी राइट इन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में डालते हैं वो पहले उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो समझ सके। दिस मशीन लैंग्वेज कंप्रेसेस ऑफ नंबर्स, ये मशीनी लैंग्वेज आपकी कंप्रेस होती है नंबर्स में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड बाई कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल सिस्टम, इट इज क्रूशियल टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम। हम इन डिजिट्स को समझकर नंबर सिस्टम को आसानी समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हम डेली लाइफ में जो जोड़ घटाने के लिए, किसी ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से बनता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सारी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है, इसे बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इसी के थ्रू मशीन एक समानता से सीखता है, यानी कि हम किसी भी कंट्री में हैं, हम उसमें कोई भी आउटपुट देंगे पहले वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज हो सकता है हम यहाँ तो हिंदी कर रहे हैं, अमेरिका में जाएंगे वहाँ इंग्लिश करेंगे, जापान में जाएंगे जापानी करेंगे, तो हो सकता है ऐसा कि हर जगह का कंप्यूटर अलग अलग आउटपुट दे। तो ये ना होने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी कुछ डालें पहले उसे कन्वर्ट करके मशीनी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि उसका रिजल्ट आपके सामने उसी लैंग्वेज में मिले जो आप चाहते हैं, यानी कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू इट्स सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस ऑफ दैट सिस्टम। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम plays crucial role in understanding the number system and to convert it from one subtypes to other subtypes. Base के थ्रू हम इसे identify कर सकते हैं कि ये कौन सा number system हो सकता है। Base क्या होता है, उसकी base script होती है, यानी radius होती है, इसे हम radius भी बोलते हैं। ये उस number के नीचे लिखा जाता है जो उसकी टोटल संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं, तो उसके नीचे 10 लिख दिया जाएगा। बाइनरी में 2 होते हैं तो उसके नीचे 2 लिख दिया जाएगा, यानी 0 और 1। तो उसकी क्वांटिटी को नीचे लिख दिया जाता है छोटे फॉर्म में, जैसे पावर होती है वैसे इसका बेस होता है, उसका अपोजिट। तो नंबर सिस्टम के थ्रू हम बेस से समझ सकते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बेस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द बिलो डायग्राम। एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसके थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। देखिए नंबर सिस्टम आपके पास 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर संख्या आती है 10, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसलिए इसका बेस 10 हो गया, तो बेस 10 हो जाता है इसका। ऐसी बाइनरी नंबर सिस्टम है सेकंड टाइप में, जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 आते हैं, और इसका बेस जब 2 ही नंबर है इसके अंदर तो 2 आ जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम थर्ड है, जिसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आते हैं, यानी 1, 2, 7, 7 हो गए, और 0 को ऐड कर देंगे तो टोटल बेस इसका हो जाएगा 8, क्योंकि 8 डिजिट इसके अंदर आते हैं। फिर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सबसे बड़ा होता है, इसके अंदर 0 to 9 आते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपका डेसिमल आ गया एक तरह से, और 11 के लिए यानी कि नेक्स्ट डिजिट के लिए हम ABCDEF यूज करते हैं, यानी कि 10 डिजिट हो गए और 6 अल्फाबेट हो गए, तो टोटल आपके पास 16 इसके अंदर आइटम आते हैं, जिसका बेस बनता है 16। तो ये नंबर सिस्टम है जिसे हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। एक चार्ट भी है जिसके थ्रू हम इसे आसानी समझ सकते हैं कि कन्वर्जन करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा। देखिए डेसिमल मैंने लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 विदाउट लीडिंग 0। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं 0 का बाइनरी होता है 0, ऑक्टल भी 0 और हेक्सा भी 0। 1 डेसिमल का होता है 1, 1, 1, इसमें हो जाएगा 2 में क्या होता है 1 by 1 जब जुड़ जाते हैं तो 1 इधर शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड टेंस में, और यहाँ पे 0 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड में होता है
और ऑक्टल में इनकी संख्या यही रहती है। इस चार्ट के थ्रू भी आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्रेस ऑफ 10 डिजिट्स यानी कि 10 डिजिट्स से मिलकर बनता है। डिजिट डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 इसके अंदर 10 नंबर होते हैं इसीलिए इसका बेस 10 होता है। इसका एग्जांपल है आप ब्रैकेट में कोई भी संख्या लिखते हैं जो 0 से 9 के बीच में होती है सारी और उसके बाद इसका बेस 10 लगाते हैं तो 7, 9, 7, 8, 9 बेस 10 1, 2, 3 बेस 10 इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है थोड़ा छोटा होता है ये। पावर को आप सब जानते हैं पावर हम ऊपर की ओर लिखते हैं और वो थोड़ी छोटी लिखी जाती है जैसा अंक लिखा गया है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स दो डिजिट से मिलकर बनता है 0 और 1 दो ही डिजिट्स होते हैं इसमें। द बेस ऑफ द बाइनरी सिस्टम इज 2 इसका बेस 2 होता है एज द अवेलेबल डिजिट्स इन द नंबर्स सिस्टम इज 2 तो इसके अंदर दो ही डिजिट्स होते हैं क्योंकि इसका बेस भी 2 होता है। द अदर नंबर कैन बी एक्सप्रेस विद दिस 2 डिजिट्स जो भी नंबर बनेगा वो इन 2 डिजिट से मिलकर ही बनेगा। बाइनरी डिजिट्स आर कॉल्ड बिट्स इसे बिट्स भी कहते हैं। इट्स फॉर्म फ्रॉम 2 वर्ड्स दो वर्ड से मिलकर बनेगी बाइनरी और डिजिट्स। इसमें से BI लिया गया है बाइनरी में से और डिजिट्स का लिया गया है ITS तो ये बिट्स बन जाता है। इसका एग्जांपल है कोई भी नंबर ले लीजिए जो 0 और 1 से मिलकर बनता हो 101 इसका बेस 2 लगा दिया आपने 101010 समथिंग कुछ भी हो सकता है और बेस आपने 2 लगा दिया तो इस तरह से हम बाइनरी डिजिट्स को लिख सकते हैं सिर्फ दो ही नंबर के थ्रू। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंप्रेस ऑफ 8 डिजिट सिर्फ 8 डिजिट ही इसके अंदर लिखे जाते हैं और इसके अंदर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दस द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 इसका बेस होता है 8 और इसका एग्जांपल है देखिए 0 से 7 तक की संख्याएं ही आएंगी तो अगर इसमें 8 या 9 आ जाए तो वो ऑक्टल नहीं रहेगा वो डेसिमल बन जाएगा तो इसमें मैंने लिया है 1, 2, 3 और इसका बेस लिख दिया 8 1, 6, 7 बेस 8 अगर मैं इसमें 8 या 9 कर दूं तो ये ऑक्टल नहीं रहेगा। लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इट कंप्रेस ऑफ 10 डिजिट्स 10 डिजिट्स होते हैं 6 अल्फाबेट्स 6 अल्फाबेट होंगी। द 10 डिजिट्स इज आपको पता है 10 डिजिट कौन से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड द अल्फाबेट्स आर यूज ABCDEF ऑल द अदर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स जितना भी कुछ बनेगा वो सब इन्हीं अल्फाबेट्स और डिजिट के मिलने से बनेगा। ABCDEF रिप्रेजेंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 9 तो यहाँ पे हो गया। आप सोच रहे होंगे इसका नंबर 11 होना चाहिए क्योंकि 10 डिजिट तो ये हो गए लेकिन हम इसे इसी ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट का नंबर देंगे तो ये हो जाएगा 11A फिर B हो जाएगा 12 B हो जाएगा A हो जाएगा सॉरी 10 B हो जाएगा 11 और C हो जाएगा 12 D हो जाएगा 13 E हो जाएगा आपका 14 और F हो जाएगा 15 यानी 15 ये और 0 ये दोनों जोड़ देंगे तो ये आपके पास 16 डिजिट्स हो जाएंगे जो इसका आधार है यानी बेस है। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप इसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों लिख सकते हैं कोई जरूरी नहीं आगे पीछे लिखें आप बीच में लिख लें पहले लिख लें नंबर को बाद में लिख लें जैसा मर्जी आप लिखना चाहें। 1AB बेस लगाना जरूरी है इसी से पता चलेगा ये कौन सा नंबर है 16 8F 16 तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्लियर अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम डेसिमल से बाइनरी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको 25 इसका बेस मैंने लगा दिया 10 यानी कि आपको पता चल गया ये ऑक्टल भी हो सकता था हेक्सा भी हो सकता था लेकिन जब बेस 10 लिख दिया तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। कन्वर्ट करना है किसमें करना है बेस से देखिए बेस से पता लग रहा है आपको 2 है तो बेस 2 बेस किसका होता है बाइनरी का होता है तो हमें डेसिमल 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप इस तरह का एक इसे सीडी बोलते हैं इस तरह का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें साथ साथ करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। अब इसमें सबसे ऊपर हम क्रॉस में यहाँ पर
25 लिख देते हैं, हमने लिख दिया 25। अब जो बेस होता है उसी से ही डिवाइड किया जाता है, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर कितनी बार टेबल जाएगी, देखिए जैसे आप डिवाइड करते हैं हमें जो रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर हम इसमें राइट साइड में लिखते हैं, हमने 25 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 12 बार जाएगा, हमें पॉइंट में नहीं जाना, हमने रिमाइंडर लेना है। तो ये आपका बचेगा 2 12 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 टाइम्स जाएगा, 12 बार जाएगा तो 24 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, उस 1 रिमाइंडर को हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हमें डिवाइड करना जब तक ये लास्ट में 0 ना जाए। अगली बार देखिए 2 से डिवाइड किया 12 को, यह आ जाएगा 6, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, हमने 0 लिख दिया, यानी 1 या 0 लिखना कंपल्सरी है, यही आपका आंसर होता है। फिर 6 को 2 से डिवाइड किया, यह आ जाएगा आपका 3, अब हमने कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 लिख दिया। फिर 3 को 2 से डिवाइड किया, यह आ जाएगा 1, एक रिमाइंडर बचा, वो हमने रिमाइंडर राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब यह आ गया आपके पास लास्ट में, देखिए नंबर बच गया 0, ठीक है। अब इसे हमें लिखना कैसे, हमें इसे बॉटम टू टॉप लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। जो सबसे ऊपर वाली संख्या है इसे बोलते हैं हम लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे नीचे वाली आई है इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लिखने का तरीका देख लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। मैंने लिखा पहले 1 लिख दिया, ठीक है, फिर दूसरा 1 लिख दिया, ये हमने दूसरा 1 लिख दिया इसमें, फिर 0 और यहां पे हमने 0 लिख दिया, फिर 1 फिर 0 एक और, फिर 0 लिख दिया और फिर लास्ट में 1 लिख दिया, यानी रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया, यही इसकी बाइनरी आई, ठीक है। ये था सिंपल एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सेम यही है, इस बार हम पॉइंट में भी करते हैं। देखिए अभी 25 दिया था मैंने, इस बार हमने कुछ पॉइंट में भी दिया है, पॉइंट में अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं पहले मैंने इसमें टाइप कर दिए, इसकी और अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। अब हम सिर्फ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास था 0.125 हमने ये लिख दिया 0.125, स्टार्टिंग में 0 लगा सकते हैं, इसकी गुणा इसके बेस से करते हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। पहले हमने डिवाइड किया था, अब पॉइंट की बात आ गई तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यह आ गया 0.250। यहां पर देखिए क्या बचा, यहां पर 0 आया है पॉइंट के पहले, तो यहां पर हम लिख देंगे राइट साइड में 0। अगली बार जो रिवर्स जो आंसर आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 0.250 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 0.5000, स्टार्टिंग में 0 है तो हमने फिर से 0 लिख दिया। अब इसी नंबर को 0.500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 1.000, तो हमने 1 को यहां लिख दिया। अब ये बार बार रिपीट होगा, हमें इसका आंसर मिल चुका है। अब हमने क्या किया, इसे इस बार हम यहां पे तो गए थे नीचे से ऊपर की ओर, तो इस बार हम जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर पॉइंट के लिए, तो इसका आंसर आपको पता चल गया था क्या आया था, 11001, और इसका आंसर आ जाएगा 0001। तो ये इसका आंसर आ गया रिवर्स ऑर्डर में लिखने, यानी टॉप टू बॉटम गए, और कंप्लीट आंसर बना आपका 25 डेसिमल नंबर सिस्टम का 1100001.001। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बन गया। नेक्स्ट करते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल। अब तक हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम सीखते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने वही एग्जांपल लिया जो हमारा आंसर निकला था, ताकि अगर ये उसी में कन्वर्ट होगा तो पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही निकला। हमने नंबर ले लिया, इसमें 11001 है आपके पास, बेस 2 है, यानी कि पता है आपके पास बाइनरी नंबर है, और किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या किया, इसे हमने सिंपल इसी ऑर्डर में लिख दिया 11001, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक हम इसकी पावर स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और जहां तक नंबर होता है वहां तक जाते हैं। तो हमने स्टार्ट किया पहले 0, फिर नेक्स्ट काउंटिंग 1 2 3 4, इस तरह से हमने पावर लगा दी। ये देख लीजिए, ये हमने लगाई है राइट टू लेफ्ट में,
फिर अब क्या करना होता है, अब हम इसे इसी ऑर्डर में लिख देते हैं। यानी पहले हमने ये जीरो था तो हमने पहले वन लिख दिया, फिर जीरो जीरो, फिर वन वन, इस तरह हमने इसे लिख दिया, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। अब जो ये पावर थी, हमें इसके बेस की मल्टीप्लाई करनी इस पावर से, तो यानी कि हमने दो दो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी सबके आगे, दो टू टू टू। ये पावर जो थी ये हमने इस टू के ऊपर लगाने दी, पहले जीरो थी, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। अब वन की पावर, वन की मल्टीप्लाई करें टू की पावर जीरो से, जिसकी भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों वन, तो हमने इसके लिख दी वन। और जिसकी भी वैल्यू जीरो होती है उसे किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हमने इनकी वैल्यू लिख दी जीरो। वन की मल्टीप्लाई कर दी टू की पावर थ्री से, ये होगी आपके पास एट। वन की मल्टीप्लाई कर दी टू की पावर फोर से, तो ये आ गया 16। टोटल नंबर आपके पास आ गए 25। तो ये यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग आपका 25 जो आंसर आया था वो सही आया, ठीक है। हमने 25 की बाइंड्री निकाली थी उसमें, तो इस बाइंड्री का जब डेसिमल निकाला तो वो आपका वही नंबर आ गया जो हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, तो आंसर आ गया 25 डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर पॉइंट में गिवन हो क्वेश्चन तो, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन तो जो था पॉइंट में नहीं था, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आगे पॉइंट में कर देता हूं। तो पॉइंट में हमने और ऐड कर दिया, ये है 110.001, ये पोर्शन मैं आपको पिछले सॉल्व करा चुका हूं तो ये नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ इसकी ओर बात कर रहे हैं 0.001 की, ठीक है। तो अब हमने इसे लिख दिया 001 में और इसकी पावर स्टार्ट कर दी। पहले हमने स्टार्ट की थी 0 से, इस बार हम स्टार्ट करेंगे 1 से, माइनस में ऐसा करते हैं, यानी पॉइंट में ऐसा करते हैं, और 1, 2, 3 जितने भी नंबर होंगे वहां तक जाएंगे और स्टार्टिंग में हम माइनस लगाएंगे। फिर इसे लेफ्ट टू राइट लिखना है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार टू से करना है क्योंकि टू ही बेसिस का, यही पावर इस बार टू पे लगा देंगे जैसे पहले लगाई थी, टू की पावर माइनस वन। जीरो से मल्टीप्लाई हुई है तो दोनों नंबर जीरो हो गए। अब वन की मल्टीप्लाई कर दी टू की पावर माइनस के थ्री से, देखिए कैसे हुआ ये, इसके एक्सप्लेनेशन में हिंट में दिखा देता हूँ आपको। टू की पावर माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं, और 1/8 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऊपर सारे जीरो हैं तो टोटल आ गया 0.125। अब इसे कंबाइन करके लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 25.125 डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा बाइनरी का। तो इस तरह से हम इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने नंबर ले लिया 3, 4, 5 और इसका बेस 8 है, इसी से हमें पता चला कि ये ऑक्टल नंबर है, हमें कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल नंबर में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के साथ आपके पास 10 नंबर बेस में दिख रहा है और 10 नंबर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है। अब सबसे पहले इन तीनों नंबर को, यानी कि 3, 4, 5, यानी तीनों डिजिट्स को आप ऐसे ही लिख दीजिए एक्सपेंड करके, और राइट टू लेफ्ट पावर लगाना स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2, ये जाएगा राइट टू लेफ्ट। उसके बाद हम इसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमने इसे इसी तरह लिख दिया, पहले 5, फिर 4 और फिर 3, बेस 8 था ऑक्टल का तो इनटू हमने 8 ही किया है, और जो पावर थी वो हमने लगाने स्टार्ट कर दी 0, 1, 2। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। हमने 8 की पावर 0 लिखी यानी 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी तो ये आ गया 5। 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर दी 4 से, ये आ गया 32। 8 की पावर 2 इंटू 3 आ गया 192। टोटल कर दिया इन तीनों नंबर का तो ये आपके पास आ जाएगा 229, 229। तो आपका आंसर हो गया 229 का बेस 10, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा इसका, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा 229, 345 ऑक्टल नंबर का। एक और एग्जांपल से हम इसे क्लियर करते हैं, इस बार हमने नंबर ले लिया 317
इसका बेस 8 है यानी कि ये ऑक्टल नंबर है और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में क्योंकि इसका बेस हमने 10 रखा है। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने 317 को एक्सपेंड कर लिया, गैप में लिख दिया और पावर लगाना स्टार्ट किया, पहले 0 फिर 1 और फिर 2। अब फिर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट लिखने का प्रोसेस है। आपने 7 की मल्टीप्लाई कर दी 8 की पावर 0, जो हमने ये पावर लगाई है 0 1 2, ये इसके बेस की पावर होगी, तो 8 की पावर 0 रख दी, फिर 8 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 थी, ठीक है। तो इस तरह से 0 1 2 0 1 2 हमने इसकी पावर लगा दी। अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, यानी कि 8 की पावर 0 हो जाएगी 1, तो 1 × 7 हो जाएगा आपके पास 7, 1 × 8 की पावर 1 ये हो जाएगा 8, 3 × 8 की पावर 2 ये हो जाएगा 192। टोटल आपके पास आ जाएगा 207। तो 317 ऑक्टल नंबर का डेसिमल नंबर हो जाएगा 207 डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये था आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब अगर आप चाहते हैं ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो अब आपका डेसिमल कन्वर्ट हो चुका है, आप इससे डेसिमल टू बाइनरी जैसा हमने पहले वीडियो में सीखा है उससे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, गुड कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन, यानी कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने ले लिया 3B16 इक्वल टू, डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें पता लग गया इसका बेस 10 है और 10 बेस होता है डेसिमल का, और ये नंबर आपके पास 3B है यानी कि इसमें नुमेरिक भी है, अल्फाबेट भी है, तो अल्फाबेट नुमेरिक आपका हेक्साडेसिमल की पहचान होता है। इसमें मैंने आपका एक चार्ट बना दिया हिंट में, A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 और F=15। आपको पता चल जाएगा ABCD की F तक उसका नंबर क्या होता है। अब इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 और B की वैल्यू लिख दी, B की वैल्यू है 11, तो हमने B की वैल्यू 11 लिख दी। अब पावर लगाना स्टार्ट किया 0 1, राइट टू लेफ्ट पावर लगेगी, अब तक जब भी मल्टीप्लाई करते हैं राइट टू लेफ्ट पावर लगती है। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 11 इंटू, ये पावर 0 थी आपकी, ये हमेशा इसके बेस की पावर लगेगी, यानी इसका बेस आपका 16 है, तो इसकी पावर हो जाएगी 16 × 0, यानी कि जिसकी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 × 11 ये हो जाएगा आपके पास 11, 3 × 16 की पावर 1 क्योंकि यहाँ पर आपकी 1 है पावर, तो यहाँ पर हमने इसकी 16 की पावर 1 रख दी, ये हो जाएगा 48। तो इसका टोटल हो जाएगा दोनों का क्योंकि दो ही डिजिट थे 59। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 3B हेक्साडेसिमल नंबर का 59 डेसिमल नंबर। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन ले लिया आपने 4D2 और इसका बेस 16 है, आपको पता चल गया होगा ये हेक्साडेसिमल नंबर है और कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हिंट, A, B, C, D, E, F, इनकी मैंने नंबरिंग लिख दी है, A को 10 बोलते हैं, B को 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। स्टार्ट किया क्वेश्चन, हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा गैप में लिख दिया और पावर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट की 0 1 और 2। D की वैल्यू आपकी 13 थी तो हमने इसीलिए 13 लिख दिया यहां पर। अब पहला नंबर था आपका 2 और इसका बेस से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी बेस है 16, 16 की पावर लगा दी हमने 0 क्योंकि यहाँ पर 0 थी, तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट नंबर है 13 हमने लिख दिया, 13 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 की पावर 1 से क्योंकि नेक्स्ट डिजिट की पावर 1 थी, तो ये 16 × 13 हो जाएगा आपका 208। फिर लास्ट डिजिट आपका 4 × 16 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 4 की पावर 2 थी, तो
तो ये हो जाएगा 1024। इस बार तीन डिजिट्स हैं तो हमने तीनों का टोटल कर लिया, ये आ जाएगा 1234। तो 4D2 हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर होगा 1234 डेसिमल नंबर। इस तरह से हमने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें बता सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हमें से क्लियर करेंगे। हमने डेसिमल नंबर लिया 59, इसका बेस 10 है, इससे हमें पता चल गया ये डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है इसे टू हेक्साडेसिमल नंबर में। देखिए क्वेश्चन मार्क है और इसका बेस 16 है और 16 बेस होता है, 16 बेस होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर का। तो सबसे पहले मैं आपको एक हिंट बता दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर में ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेट्स आते हैं और इसका नंबर होता है 10, बी इक्वल टू 11, सी इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 13, ई इक्वल टू 14, एफ इक्वल टू 15, यानी टोटल 16 डिजिट होते हैं। एक जीरो काउंट कर लेंगे तो 15 ये प्लस 9 और प्लस 0 यानी कि 16 डिजिट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक क्रॉस टेबल बना लीजिए, इसमें 59 सबसे पहले हम लिख दें क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है, और हम इसे डिवाइड करेंगे 16 से जैसा हमने बाइनरी कन्वर्जन में किया था। अब ये 16 के टेबल पढ़िए, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 16 3 जा, ये हो जाएगा 16 16 32 16 3 तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें लिखना है राइट साइड। अब ये जब तक जीरो ना हो जाए तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए हमने फिर से डिवाइड किया, इस बार जीरो बार गया और ये जो 3 है वो हमारा राइट साइड आ गया। अब इसे हम रिवर्स ऑर्डर में ही लिख देंगे, यानी जो नीचे आया वो जो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, जो बाद में है वो पहले वो उसके बाद में। फर्स्ट डिजिट को हम बोलते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और नीचे वाले को बोलते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए आंसर हो गया आपका 59 डेसिमल नंबर को जब कन्वर्ट किया तो ये हो गया 3B16। देखिए 3 तो आपके पास यहां से आ गया, बी कहां से आया, 11 आया नंबर, ये आपका 11 नंबर। यहां पे देखिए 11 को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर बी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो 11 नहीं लिख सकते, यहां पर 11 का रिप्रेजेंटेटिव नंबर है बी, तो हमने बी अल्फाबेट लिख दिया। तो ये हो गया 3B और इसका बेस हमने लगा दिया 16। इस तरह से हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट करना सीखा। ये नंबर हमने वही लिया है जो हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, जैसा आपने पिछले एग्जांपल में पढ़ा हुआ है। आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूं इसे। एग्जांपल नंबर 2, 1234 हमने एक 4 डिजिट का नंबर ले लिया, ये थोड़ा लेंथी है, इसे करने में भी आपको अच्छा लगेगा, काफी डाउट क्लियर होंगे आपके। और इसका बेस 10 है यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसका कन्वर्ट करना है इसे हेक्साडेसिमल नंबर में, यानी कि जिसका बेस 16 है और 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। इसकी टेबल में आपको फिर से बता देता हूँ, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 11, सी इक्वल टू 12, डी इक्वल टू 13, ई इक्वल टू 14, एफ इक्वल टू 15। फिर से आपने एक क्रॉस टेबल बना ली जिसके अंदर हमने सबसे पहले लिख दिया 1234। अब हमें डिवाइड करना है इसे 16 से, डिवाइड कीजिए, ये जाएगा आपका 77 टाइम्स। आप कॉपी पेन लेके बैठिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और उसमें साफ अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके देखिए, ये टेबल यानी कि बिना पॉइंट में आए 70 बार जाएगा इसका डिवाइड, और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आए आपका 2। फिर 77 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 13। फिर 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आपका 4 यहां पर आ जाएगा। अब इसे रिवर्स ऑर्डर में यानी कि बॉटम टू टॉप ऑर्डर में लिख देंगे, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा पहला और लास्ट वाला होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि यहां से हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1234 डेसिमल नंबर 2, ये हो जाएगा 4D2।
कैसे हुआ देखिए, फोर तो सबसे पहले लास्ट में आया तो फोर हमने यहाँ पे लिख दिया फोर। उसके बाद डी है, डी कैसे आया, थर्टीन है नेक्स्ट, थर्टीन देखिए टेबल पे, थर्टीन को डी रिप्रेजेंट करता है तो हमने लिख दिया थर्टीन की जगह डी। फिर लास्ट में सबसे पहले इसमें टू आया था तो हमने इसके लास्ट में लिख दिया टू, यानी कि अपोजिट ऑर्डर में हम इसे लिख देते हैं। और लास्ट में हमने इसका बेस लगा दिया 16, 16, तो ये आ गया आंसर इसका, हेक्साडेसिमल नंबर 4D2 और बेस है 16। इस तरह से हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अच्छी कमेंट दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट नंबर है आपका डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन, यानी डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये सीखेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एग्जांपल ले लिया हमने 229, ये वही नंबर है जो हमने ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करा था। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, आपको बेस से पता चल गया होगा कि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है क्योंकि इसका बेस 8 है। और हमने सबसे पहले एक टेबल बना ली, क्रॉस टेबल, जिसके अंदर हम इसके डेटा को लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने इसमें 29 लिख दिया क्योंकि इसी को कन्वर्ट करना था। डिवाइड करेंगे इस बार 8 से क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है, जिसको भी जो भी रिजल्ट चाहिए उसी के बेस से हम इसे डिवाइड करते हैं अब तक। तो ये आपका जाएगा 28 टाइम्स, आप कॉपी पेन पे डिवाइड करके देख सकते हैं साथ साथ। और रिमाइंडर बचेगा आपका 5 जो हम राइट साइड में लिख देंगे। अब 8 से फिर से 28 को डिवाइड करेंगे हम, ये जाएगा आपका 3 बार, 8 या 24, ये आ जाएगा 4 रिमाइंडर। इस बार 3 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 0 टाइम्स जाएगा और ये 3 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे रिवर्स ऑर्डर में यानी बॉटम टू टॉप में हम इसे लिख देंगे। सबसे पहले डिजिट को बोलते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लास्ट वाले को बोलते हैं यानी सबसे नीचे वाले को, बॉटम वाले को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आंसर आ गया इसका 229 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 345 ऑक्टल नंबर। देखिए 3 सबसे लास्ट में था तो सबसे पहले हमने 3 लिख दिया, 4 मिड में था तो हमने मिड में 4 लिख दिया सेकंड नंबर पर, और 5 सबसे पहले था तो सबसे लास्ट में हमने 5 लिख दिया। इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं जिसके थ्रू आपका ये कन्वर्जन इजीली सॉल्व हो जाएगा, यानी आप आसानी से समझ सकेंगे। एग्जांपल सेकंड, हमने नंबर ले लिया 207 और इसका बेस 10 है, यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमें कन्वर्ट करना है इसे ऑक्टल में क्योंकि इसका बेस 8 है। फिर से क्रॉस टेबल बना लिया हमने, हमने लिख दिया इसमें 207, अब हमें डिवाइड करना है 8 से, ये चलेगा आपका 25 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया आपका 7। अब फिर से डिवाइड किया आपने 25 को 8 से तो आ जाएगा ये 3 बार चलेगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। 8 को फिर से हमने 8 से डिवाइड किया इसे तो ये 0 टाइम चलेगा और 3 जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। पहले वाले डिजिट को मैंने बता दिया आपको जिसे लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं और लास्ट वाले को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। ये हम बॉटम टू टॉप जाएंगे। अब हमने इसका आंसर लिख दिया, यह गया 207 डेसिमल नंबर सिस्टम का ऑक्टल बनेगा 317 ऑक्टल नंबर। देखिए 3 सबसे पहले सबसे लास्ट में था बॉटम में, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में 3 लिखा, फिर 1 और फिर 7, तो इस तरह से 317 आपका ऑक्टल नंबर आ गया। ये वही नंबर है जो हमने ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। तो इस तरह से आपने चारों नंबर सिस्टम सीख लिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको और अच्छी वीडियो हमें हम आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।